तो आप देख रहे हैं आज तक, और लगातार आज तक आपको दिखा रहा है सीबीआई के साथ रिया चक्रवर्ती की पेशी का राउंड टू शुरू हो चुका है मुंबई में। ये वो तस्वीर उस वक्त की जब डीआरडीओ गेस्ट हाउस में रिया चक्रवर्ती पहुंची है। अब से कुछ देर पहले 1:30 बजे के आसपास रिया चक्रवर्ती पहुंची, 3 घंटे की देरी से रिया पहुंची वहां पूछताछ में शामिल होने के लिए। कल 10 घंटे की पूछताछ के बाद आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ का दूसरा दिन। तमाम साथी जिनके नाम अब तक इस जांच में आए हैं सामने, वो पहले से मौजूद हैं। सिद्धार्थ, नीरज सिंह, सैमुअल मिरांडा, वो पहले से वहां पर मौजूद थे, उनसे पूछताछ हो रही थी। सीबीआई के एसपी नूपुर प्रकाश रिया से पूछताछ कर रही हैं, और साथ ही आज आपको बता दें रिया की मांग पर वहां मुंबई पुलिस को भी तैनात किया गया है। मुंबई पुलिस के सुरक्षा घेरे में ही रिया चक्रवर्ती पहुंची अपने घर से लेकर डीआरडीओ गेस्ट हाउस तक, क्योंकि कल रिया ने आरोप लगाया था कि मीडिया की वजह से उसे दिक्कत हो रही है, उसके पिता को चोट आ चुकी है और लगातार इंटिमिडेशन है, वो परेशान की जा रही है, उसे हैरेस किया जा रहा है। लिहाजा सीबीआई ने मुंबई पुलिस से कहा कि रिया चक्रवर्ती को सुरक्षा दी जाए। तो विद्या हमारी सहयोगी इस वक्त लाइव आ गई है हमारे साथ, और डीआरडीओ में ही मौजूद हैं हमारे सहयोगी शम्स ताहिर खान भी, जो लगातार आपको अपडेट कर रहे हैं। बारिश वहां पर आ रही है, आप देख सकते हैं। रिया विद्या छाता लेकर वहां पर मौजूद है इस समय, और जिस समय रिया अपने घर से आई तब भी लगातार सुबह से बरसात हो रही थी, उसके बावजूद पूछताछ के प्रोग्राम में कोई तब्दीली नहीं। और साथ ही डीसीपी त्रिमुखे को कोरोना होने की जानकारी आई, परिवार भी उनका कोरोना संक्रमित, उसके बावजूद पूछताछ के कार्यक्रम में कोई तब्दीली नहीं। इसका मतलब शम्स ये तय हो चुका है कि रिया का त्रिमुखे से पूछताछ के लिए मिलना और सीबीआई के अधिकारियों का भी उनसे मिलना एक निश्चित समय सीमा दोनों पार कर चुके हैं, इसलिए जांच पर उसका कोई असर नहीं। बिल्कुल रोहित, वरना तो ये आप भी जानते हैं इस कोरोना के दौरान में शायद हम सभी टेस्ट से गुजर चुके हैं कि अगर एक को भी पॉजिटिव पाया जाता है तो उसके इर्द गिर्द जो भी उसके कांटेक्ट में आता है हर एक का टेस्ट होता है। मैं भी इससे गुजर चुका हूँ तो यहाँ पे, लेकिन अगर ये सारी चीज़ें हुई और कोरोना पॉजिटिव है, न सिर्फ त्रिमुख है, इससे पहले आपको ये भी याद होगा 4 दिन पहले इस केस में 2 पुलिस वालों को सीबीआई ने बुलाया था, एक आईओ थे और एक सब इंस्पेक्टर बांद्रा पुलिस स्टेशन के, लेकिन पता चला कि उन दोनों को भी कोरोना है और इसलिए सीबीआई उनसे पूछताछ नहीं कर पाई और शायद अगले 14 या 20 दिन तक पूछताछ करेगी भी नहीं। तो इस केस से जुड़े हुए 2 पुलिस अफसर पहले कोरोना पॉजिटिव, अब डीसीपी त्रिमुखे पॉजिटिव, लेकिन उसके बावजूद जो सारे अहम विटनेस हैं उनकी यहाँ मौजूदगी, रिया की मौजूदगी, सीबीआई अफसर की मौजूदगी, ये साबित करती है कि शायद ये तो टाइम वो पार कर चुका है या फिर इन्हें लगता है कि वो इन्होंने सोशल डिस्टेंसिंग के साथ पालन किया और दूरी बनाकर रखा, इसलिए इन्हें पॉजिटिव नहीं हो सकता, तो ये अपनी जाँच को आगे बढ़ा रहे हैं। कम से कम इससे यही मैसेज मिलता है, क्योंकि अगर ज़रा सा भी डाउट हो कि आप किसी पॉजिटिव के कॉन्टेक्ट में आए हैं तो आपको फ़ौरन टेस्ट कराना, और दूसरी बात आपको सेल्फ आइसोलेशन में जाना चाहिए। न यहाँ पर सेल्फ आइसोलेशन में गए हैं, ना क्वारंटीन है, ना टेस्ट हुआ, तो इसका मतलब है कि ये मान कर चल रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए जिससे भी मिले वो उन्होंने इस बात का ख्याल रखा, और यही वजह है कि अब इसके बाद जांच की कवायद शुरू हो गई है। लेकिन अगर ऐसा होता रोहित, एक मिनट के सोचिए आप सिर्फ, कि इस कोरोना पॉजिटिव डीसीपी त्रिमुखे के चक्कर में पूरी टीम सीबीआई की अगर चली जाती सेल्फ आइसोलेशन में, इसके अलावा विटनेस रिया चक्रवर्ती, तो ये जांच अगले 14 या 28 दिन के लिए तो थम ही गया था। वैसे ही इंतज़ार हो रहा है कि 75-76 दिन हो गए हैं, अभी तक सच सामने नहीं आया। सीबीआई को भी जांच शुरू करते हुए 10 दिन तो हो ही चुके हैं, कोई बात सामने नहीं आई है। ईडी अलग जांच कर रही है, एनसीबी अभी कूदी है, तो इन सारी चीज़ों में मामला और आगे बढ़ जाता। लेकिन कम से कम इस जाँच, इस केस के हिसाब से अगर देखें तो अच्छी चीज़ ये है कि सीबीआई अपने काम को आगे बढ़ा रही है, वो रुकी नहीं है और कोशिश कर रही है कि इस सच को सामने लाया जा सके जिस सच पे सबकी नज़र है, और इसकी शुरुआत हो चुकी है कल। आज दूसरा दिन है, रिया चक्रवर्ती अंदर हैं, पूछताछ जारी है, 3 और लोग हैं, उन तीनों से भी अलग अलग पूछताछ हो रही है। इसके बाद हो सकता है उन तीनों को रिया के सामने लाया जाए, चौथा एक और कैरेक्टर जो केशव है वो इस वक्त नहीं है, शायद उसको भी बुलाया जाए। तो इन सारी चीज़ों को सामने रखकर और सारे सवालों को सामने रखकर सीबीआई फिर नतीजे पे पहुंचने की कोशिश करेगी, और उसका जवाब शायद हम सबको मिलेगा कि इस केस का सच है क्या, वो जो लोग कह रहे हैं या वो जिनके साथ सिर्फ भावनाएं जुड़ी हैं, या वो जो सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, या सीबीआई जो इस केस की सही मानों में जांच कर रही है और जिसको ये अधिकार है कि वो बताए कि ये मामला है क्या। विद्या बोलिए।
विद्या आवाज सुन नहीं पा रहे हैं आपकी, माफी चाहते हुए वापस आऊंगा आपके पास दोबारा। आप ऊंचाई पर हैं कहीं, वहां से दिखा रही है तस्वीरें, अंदर तक गेस्ट हाउस के कैमरे की नजर जा सकती है, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है, वापस आएंगे। मुनीश पांडे बोलिए। जी देखिए, पूछताछ शुरू हो चुकी है नुपुर प्रसाद और अनिल यादव, इस मामले के एसपी और जो जांच अधिकारी हैं दोनों ही मौजूद हैं। रिया चक्रवर्ती एक अलग से कमरे में हैं और कल जहां पर पूछताछ खत्म हुई थी वहां से पूछताछ शुरू हुई है। और जो अधिकारियों से मेरी बात हुई है उनके मुताबिक कल जो सिलसिला था वो रिश्तों को लेकर था, बात सुशांत के जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर पहुंची थी, लेकिन उसके बाद में पूछताछ खत्म हो गई थी। वहीं से सिलसिला आज आगे चलेगा और सबसे पहला पड़ाव रहेगा रिया चक्रवर्ती के लिए वो सीबीआई के उन सवालों को लेकर रहेगा जो कि सुशांत की मानसिक स्थिति को लेकर इर्द गिर्द घूमेगी। कुछ अधिकारियों से बात करके मैंने उन सवालों की लिस्ट भी निकालने की कोशिश की और जो हमें पता चला है उसके मुताबिक जो सवाल होंगे वो यही रहेंगे कि सुशांत आपको कब पता चला कि मानसिक रूप से परेशान रहते हैं, क्या आपने इसके बारे में उनके परिवार को बताया था, जो डॉक्टरों का चयन था क्या सुशांत ने खुद किया था या रिया चक्रवर्ती करती थी, और कभी जब वो डॉक्टर के पास जाते थे तो क्या रिया चक्रवर्ती भी डॉक्टर के पास में जाती थी। जो सबसे अहम रहेगा वो दवाओं को लेकर रहेगा क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती दवाओं का ओवरडोज देती थी सुशांत सिंह राजपूत को, लेकिन सीबीआई यह भी जानना चाहेगी कि क्या कभी ऐसा हुआ, सुशांत को दवा कौन देता था कौन नहीं देता था, ये सभी चीज़ों को लेकर सीबीआई पूछताछ करना शुरू कर दी है। जो दूसरा पड़ाव होगा वो होगा पैसों को लेकर क्योंकि परिवार ने आरोप लगाया 15 करोड़ रुपये सुशांत के गबन कर लिए। उसके अलावा जो सबसे अहम है इसमें और जो ईडी की जांच में भी रोहित सामने आया था कि सुशांत के अकाउंट से रिया के लिए पैसे लगातार जा रहे थे, उनके मेकअप से लेकर तो उनकी शॉपिंग को लेकर लगातार पैसे जा रहे थे, लेकिन कि जब आप रिलेशनशिप में हैं आपके ऊपर कोई पैसे खर्च कर रहा है और अगर कोई आपने शिकायत नहीं कराई है तो वो गैरकानूनी नहीं होता है, लेकिन उसमें बहुत सारे कैश विड्रॉल हैं और कहीं ना कहीं सीबीआई इस बारे में जानना चाहेगी क्या वो कैश विड्रॉल रिया के अकाउंट में चले गए कि नहीं चले गए। उसके अलावा रिया ने पिछले 2 साल में सुशांत के साथ में रहते हुए कितनी चल और अचल संपत्ति बनाई है, ज्वेलरी खरीदा है कि नहीं खरीदा है, प्रॉपर्टी खरीदा है कि नहीं खरीदा है, ये सारे दस्तावेज आज रिया को लेकर आने थे, वो दस्तावेज शायद वो लेकर भी आई होंगी, लेकिन सीबीआई उसके बारे में फिर से कड़ाई से पूछताछ करेगी। तो सवालों का एक लंबा दौर चलने वाला है और सबूत के साथ में सीबीआई रिया चक्रवर्ती से सवाल जवाब करना शुरू कर दी है। रिया उसका कितना संतुष्ट करने वाला जवाब दे पाती हैं ये तो देखने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन एक लंबा दिन आज ना सिर्फ रिया चक्रवर्ती के लिए बल्कि इस मामले में जो बाकी के गवाह हैं सिद्धार्थ पिठानी, नीरज, दीपेश सावंत जो कि ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है डीआरडीओ गेस्ट हाउस में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, सैमुअल मिरांडा एक अहम कड़ी है, वो सारे लोग यहाँ पर मौजूद है और पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है इन सबसे अलग अलग। विद्या अब बोलिए आप, सुन सकते हैं आपको हम। रोहित मैं ये कह रही थी कि यहाँ डीआरडीओ के जो गेस्ट हाउस है यहाँ पे जो पूछताछ चल रही है इनसे, उस समय जब हमने अंदाज अगर बॉडी लैंग्वेज की अगर हम बात करें तो जिस अंदाज में कल वो आई थी रिया चक्रवर्ती उस अंदाज से काफी अलग था आज का अंदाज। अगर आप कल की बात करें तो काफी कॉन्फिडेंट जरूर लग रही थी लेकिन स्टिफनेस बहुत ज्यादा था, सीधे ऐसे गई दड़ाते हुए अंदर जैसे कि आप बहुत ज्यादा सीरियस बिजनेस करना है, लेकिन आज जब गई एक तो कैजुअल ड्रेस पहना था और कैजुअल एटीट्यूड भी था, यानी कि अभी हम जा रहे हैं सीबीआई ऑफिस में, पता नहीं कब लौटेंगे लेकिन आराम से ही लौटेंगे, तो एक अंदाज बहुत अलग था रिया का। देखते हैं आप सवालों का जवाब क्या देती है वो, लेकिन जिस तरीके से वो गई है वो उसमें अंदाज में जो कैजुअलिटी है क्या उसी कैजुअलिटी के साथ क्या जो कैजुअल अप्रोच है उसी के साथ वापस आती है कि नहीं वो देखेंगे शाम को। वापस आते हैं आप लोगों के पास, ये देखिए 5 तस्वीरें इस वक्त अपने टेलीविजन स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रिया की कार के साथ साथ आज तक था, घर से जब रिया चक्रवर्ती निकली वहां की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। मुंबई पुलिस की टीम को रिया के घर जाना पड़ा, रिया को सुरक्षा देनी पड़ी। रिया और शौविक से आज पूछताछ होनी है और रिया 3 घंटे देरी से पहुंची सीबीआई की पूछताछ में क्योंकि घर के बाहर मीडिया का जमावड़ा था। कुछ लोगों ने स्थिति ऐसी कर दी थी कि पुलिस की सुरक्षा लेकर रिया चक्रवर्ती को जाना पड़ा। सीबीआई को कहना पड़ा मुंबई पुलिस से कि आप लेकर जाइए और आप ही घर तक वापस पहुंचाइए। यह स्थिति आ गई थी और आज शाम 5 बजे बहुत बड़ा खुलासा आज तक पर आप देखेंगे। आज सुशांत खुद बोलेगा, शाम 5 बजे आज तक पर देखना मत भूलिएगा।
अभी हम आपको लगातार कवरेज दिखा रहे हैं। सीबीआई रिया चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। ड्रग कॉकटेल को लेकर लगातार सवाल रिया के ऊपर उठते रहे। व्हाट्सएप चैट सामने आने के बाद से यह सवाल आता रहा कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे कोई ड्रग नेटवर्क तो नहीं था या फिर ड्रग ओवरडोज तो नहीं था। ड्रग्स चैट पर रिया ने सीबीआई को क्या जवाब दिया? आज तक ने रिया से वही सवाल पूछा था, जरा सुन लीजिए क्या बोला रिया ने? ड्रग्स के बारे में सामने आई चैट का सच क्या है? I have never taken any drugs. So you tried MDMA once? Never. And I'm willing to do a drug test. So you deny this conversation? I deny. With Gaurav Arya? Yes. You don't know him? No, I do know him. But I deny the contents of this conversation and I will like to reserve the rest of this for the investigation. In 2019, एक जया करके है आपकी दोस्त, उसके साथ भी एक कॉन्वर्सेशन होती है जहां कहा जाता है कि कहीं ना कहीं आप चाय में सीबीडी डाल दीजिए, जो एक तरह से कैनबिस से जुड़ी हुई है, ड्रग से जुड़ी हुई है, लेकिन प्रिस्क्रिप्शन भी है। मैं पूछना चाहता हूं, आप सुशांत को सीबीडी क्यों देना चाहती थी? ये कहा जाता है चाय के प्याले में आप सीबीडी डालिए। मैं नहीं देना चाहती थी। उन्होंने जया से एक अल्टरनेटिव थेरेपी मांगी थी और उनकी आपस में कोई बात हुई थी जिसकी सिर्फ कोऑर्डिनेशन मेरे फोन पे है। ना मैंने उनके चाय में कुछ डाला, उन्होंने खुद किया होगा जो किया होगा। लेकिन अगेन सर, आई डोंट वांट दिस टू इंटरफियर इन माय इन्वेस्टिगेशन, सो आई डोंट वांट टू कंटिन्यू दिस। फेयर इनफ। इट्स अनफॉर्चुनेट कि किसी के गुजर जाने के बाद हमें उनके वाइसेस को ऐसे एक्सप्लॉइट करना होता है, पर अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। यस, सुशांत यूज टू स्मोक मैरुआना और हाँ वो काफी रेगुलरली पीते थे, मुझसे मिलने से पहले से पीते थे। इनफैक्ट केदारनाथ की शूटिंग या उससे जरा सा पहले से उन्होंने शुरू किया था ये। और मैं इनफैक्ट उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, सिर्फ इसी डिपार्टमेंट में मैं उन्हें कंट्रोल करने की कोशिश करती थी, मैं कट डाउन करने की कोशिश करती थी। लेकिन ही वॉज अ मैन ऑफ हिज ओन चॉइसेस, ही वॉज अ ग्रोन मैन हु चोज वॉट ही वॉन्टेड टू डू एंड नोबडी कुड स्टॉप हिम। आई ट्राइड टू स्टॉप हिम एंड आई ट्राइड टू टेल हिम टू रिड्यूस इट, बट इट इज समथिंग ही वुड डू। रिया से सीबीआई ने पहले राउंड में जो जो सवाल पूछे उनमें से कई के जवाब वो आज तक के इंटरव्यू में दे चुकी है। डिप्रेशन के सवाल पर रिया ने क्या कहा है, सुनिए। सुशांत के डिप्रेशन के बारे में क्या जानती हैं? सुशांत को डिप्रेशन था, वो इतना सिवियर एंग्जाइटी उसको शुरू में था, एंग्जाइटी पैनिक अटैक्स, कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से खुद मिलना चाहते थे। उन्होंने ये रिक्वेस्ट की मुझे। इनफैक्ट मेरी फैमिली में ऐसी कोई हिस्ट्री नहीं है, मैं इतनी वेल वर्स नहीं थी उस वक्त मेंटल हेल्थ से और डिप्रेशन से और एंग्जाइटी से। एक बहुत बड़ी चीज मेरे लाइफ में आई है, मुझे फिर समझ में आया। पहले मुझे लगा कि क्यों, ये ठीक है, चला जाएगा एक दो दिन में। फिर वो इंसिस्ट किया कि उसको एक साइकाइट्रिस्ट को मिलना ही है, और हम एक नहीं, हम चार पांच रेप्यूटेड टॉप नॉच साइकाइट्रिस्ट से मिले हैं जिनके साथ सुशांत अंडरवेंट ट्रीटमेंट। वो हिंदुजा हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है डिप्रेशन के लिए अंडर डॉक्टर कर्सी चावड़ा, जो एक रेप्यूटेड डॉक्टर हैं। उसके अलावा डॉक्टर परवीन दादा चंजी भी उनकी डॉक्टर रह चुकी हैं, क्योंकि वो ट्रैवल कर रही थी, सुशांत ने डॉक्टर कर्सी चावड़ा पे शिफ्ट किया और सुशांत खुद डॉक्टर को मिलकर चूज करता था वेदर और नॉट ही वॉन्टेड टू कंटिन्यू ट्रीटमेंट विद सच एंड सच डॉक्टर, येस और नो डिपेंडिंग ऑन द इंटरेक्शन। डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन देते हैं, उस प्रिस्क्रिप्शन के बगैर आप कहीं से ये दवाइयां नहीं ला सकते हो। दीज आर प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशंस फॉर डॉक्टर्स, मे बी 20-25 प्रिस्क्रिप्शंस वीकली। इनफैक्ट आप एक वीक लेट भी वो प्रिस्क्रिप्शन नहीं ले सकते हो। 2013 में उन्होंने मुझे बताया था कि वो एक साइकाइट्रिस्ट से मिल चुके हैं, उसके बीच में मुझे नहीं पता कि वो किन किन से मिले होंगे या नहीं मिले होंगे, लेकिन हाँ वो एक दवाई जरूर लेते थे जो बाद में उन्हें डॉक्टर कर्सी चावड़ा ने प्रिस्क्राइब की। तो मैंने बोला अरे ये तो वही दवा है जो तुम लेते हो, और तब मुझे समझ आया कि शायद किसी साइकाइट्रिस्ट से वो मिले भी होंगे 2013। और उनकी जो मदर हैं जो हु पास्ड अवे, जिनसे वो बेहद प्यार करते थे, और इनफैक्ट मुझे लगता है कि उनके डिप्रेशन का बहुत एक बड़ा रीजन ये है कि वो अपनी माँ के बिना नहीं जी पा रहे थे, वो भी मेंटल इलनेस की शिकार थी और उन्हें भी डिप्रेशन था, और वो इसी कारण एक्चुअली उनकी शी वॉज नो मोर।
तो सीधे आपको ले चल रहे हैं। मुनीश पांडे हमारे सहयोगी इस वक्त लाइव मौजूद हैं। मुनीश, डिप्रेशन के मामले को लेकर जो बातें रिया ने कही हैं, डॉक्टर्स के नाम लिए हैं, जिक्र किया है अस्पताल में भर्ती होने का, वहां तक भी तो लोग पहुंचे होंगे, जांच एजेंसियों ने उन डॉक्टर्स से बात की है, रिपोर्टर्स ने, मीडिया ने उन डॉक्टर्स से, उस अस्पताल से बातचीत की है, पूछा है कुछ? मुनीश, शायद मुनीश से संपर्क कटा हुआ हमारा। शम्स ताहिर खान आ चुके हैं लाइव हमारे साथ। शम्स, रिया जो बातें इंटरव्यू में टेलीविजन पर कह रही है वो सारे देश ने सुनी है। कई लोगों को लग रहा था कि इससे रिया जांच को प्रभावित कर लेगी, लेकिन क्या आपको लगता है कि इससे अब रिया बल्कि और फंस सकती हैं, क्योंकि जो बातें यहां कही गई हैं उनके सबूत मांगे जाएंगे, सब पर क्रॉस क्वेश्चन होगा? देखिए रोहित, वही मैं कह रहा हूं कि आपने जो वैसे बातें की हैं और यहां पे जो अभी इस वक्त डीआरडीओ ऑफिस के अंदर बैठकर आप कर रही हैं, उन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। डिप्रेशन वाले में एक बड़ी अहम चीज ये है रोहित, कि मुझे लगता है 4-5 डॉक्टर हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्टर इसमें रोल प्ले करेंगे सुशांत की हालत के बारे में सच बताने का, वो है डॉक्टर करसी चावड़ा। एक रिनोन साइकेट्रिस्ट हैं, हिंदुजा हॉस्पिटल में भी से वो जुड़े हुए हैं, और उसी हिंदुजा हॉस्पिटल में एक बार रिया चक्रवर्ती ने इंटरव्यू में कहा था कि सुशांत एडमिट भी थे। डॉक्टर करसी चावड़ा से मुंबई पुलिस ने बाकायदा पूछताछ की, उनके बयान कलमबंद किए, वो बयान सीबीआई के पास है, सीबीआई ने उस बयान को स्टडी किया है, लेकिन डॉक्टर करसी चावड़ा से अभी पूछताछ नहीं हुई, क्योंकि अभी विटनेस और बाकी रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, इनसे बातचीत हो रही है। एक बार रिया से आज, जैसे मैंने आपसे कहा कि ड्रग्स, डिप्रेशन और पैसा, तो उसमें से डिप्रेशन आज एक मुद्दा है। ये जब पूछताछ होगी इसके बाद सीबीआई बहुत मुमकिन है कि डॉक्टर करसी चावड़ा से बातचीत करेगी। ये भी हो सकता है डॉक्टर करसी चावड़ा और रिया चक्रवर्ती को भी एक साथ बिठाया जाए, क्योंकि डॉक्टर करसी चावड़ा का जो मुंबई के पुलिस को दिया स्टेटमेंट है वो एक तरह से आम हो चुका है। जो उन्होंने अपनी रिपोर्ट में दिया है, वो उन्होंने कहा है कि वो बाइपोलर नाम की डिजीज से ग्रसित थे, उन्होंने कहा कि वो मेडिसिन देते थे। ताहिर खान आपके पास, लेकिन इस इंटरव्यू में जो बातें रिया चक्रवर्ती ने कही हैं उसने रिया को और सवालों में उलझा दिया है। सुशांत सिंह राजपूत की आखिरी फिल्म दिल बेचारा की हीरोइन संजना सांघी ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। इस बातचीत में उन्होंने रिया चक्रवर्ती के हर दावे पर सवाल उठाए, सुशांत के डिप्रेशन की बात पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए। डिड यू एवर नोटिस दैट सुशांत हैड एनी साइंस ऑफ बीइंग यू नो लो और बीइंग डिप्रेस्ड? डिड यू एवर पिक अप ऑन दैट? I didn't pick up on that for the simple reason that I've never considered myself an authority to be able to pick up on people being depressed. I am an authority that on my coactor or a friend, I can tell if they're not in a good mood or something's bothering them. And when you're playing two cancer-stricken patients who are dealing with life being timed and dealing with such a heavy emotional narrative, we both used to be in very, very sinister, very, very serious states of mind at many, many points in time. There were days on set where, because of our characters' demands, I would just sit in a corner with earplugs in my head the entire day, do the shot, not speak to anyone, as would he. And we would do that with our backs leaning against each other. But that was our zone, and that was the sanctorium that we had created for ourselves to tell this story. And also, I had never known Sushant before Dil Bechara, so I didn't have a benchmark. For me, the person I was meeting was the only person I knew. So everything that I was experiencing with him was the guy I knew, you know. There was with your best friend, you can be like, no, they're behaving differently. But I couldn't do that, so... Yeah. Okay. And it's one more serious question, which is that you have said in the past that you feel as if Sushant's death has been turned into this circus. You know, and you wish that that would stop. Tell me a little bit more about that. All I mean by that is that that the way to there's family and people that were associated with him involved that are dealing with the tragedy. There's a lot of dignity and privacy that they deserve, which they just deserve, and. If justice is the goal, then justice can also be achieved through calm and righteous means. And
और इसी के साथ हम ले रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं, आप देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।